चंदा वो मैं तो क्या मैं लगा रखी है तूने बरकत है? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तू मेरा दुश्मन नंबर वन था है और हमेशा रहेगा। देखिए इसमें बड़े अब्बा का कोई कसूर नहीं, ये सब हमारा आइडिया था, आपको जो कुछ कहना है हमें कहिए। ये हिम्मत दो कौड़ी के इंसान। अबे चंदा तू चुप हो जा। यास्मीन बिल्कुल ठीक कहती थी, सारे फसाद की जड़ ये मामू ही है। बस चंदा माई बस, हम जैसे भी हैं एक मर्द हैं और मर्द जो होता है ना शेर की मानिंद होता है, इसके करीब आने की या सवार होने की कोशिश ना कर रहा वरना कच्चा चबा जाएगा। एक बात और सुनो, दिलीप कुमार हमें पसंद है, बड़े बाप को नहीं। तो रुस्तम लिख ले और वो भी छुपे हुए। मजा आ गया भाई, छागा पे छागा मामू। बस बड़े अब्बा अब हम आपको क्या बतलाएं? मैं कुछ ना बताओ, हमें सब पता है। इस चंदा माई का हाथ रोकना हर किसी के बस की बात नहीं है, तुमने कर दिखाया भाई। यकीन कीजिए बड़े अब्बा, बखुदा हमने उन्हें नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, अभी उन्होंने हम पर इल्जाम ही ऐसा घड़ा था जो हमें ये कुछ करना पड़ा। तो मामू क्या नाम के कमाला तो वो मुझे कहती है, वो कमाल तुमने कर दिखाया भाई। अब बड़े अब्बा कमाल तो आप ही कर सकते थे, बस जरा हिम्मत होना थी आप में। मामू हिम्मत तो बहुत है मुझ में, बस जरा इसके सामने आते डामाडोल हो जाती है, क्या नाम के मैं मुंह फट औरत है। वैसे मामू एक बात कहूं, मैं तुम्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता भाई कि तुम्हारे लचकीले जिस्म में इतना लोहे का जिगरा होगा। क्या होया मामू? जी बड़े अब्बा। मैं क्या होया, सब खैरियत तो है ना? बड़े अब्बा हम कुछ सोच रहे थे। चंदा माई के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? जी हाँ उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। तो बताओ ना क्या होया। बड़े अब्बा जिंदगी में पहली बार हमने किसी खातून का हाथ पकड़ा है। तो चुप क्यों हो गए, आगे बोलो ना क्या होया फिर। चंदा माई हमें बहुत अच्छी लगने लगी है। तो ये बात है, मामू कसम से तुम तो बहुत ही। आज मालूम हुआ है हमें कि अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत क्यों दी है और किसके लिए दी है। क्यों दी भाई, किसके लिए? क्योंकि चंदा माई को दिलीप कुमार बहुत पसंद है। मामू ईमान से तुम तो आशिक हो गए भाई इसके। बिल्कुल बड़े अब्बा बिल्कुल, हम आशिक हो गए हैं। नहीं ये बताओ कि तुमने तो अपने इश्क की आग लगा दी इस तरफ को, मैं विदर से भी आग लगी कि नहीं लगी? अरे बड़े अब्बा वहां भी हम आग लगा ही देंगे। चलो भाई जीते रहो, हम भी इस आग के लगने का तमाशा देखेंगे भाई, बस लाजिम है कि हम भी देखेंगे। देखें जरूर देखें। मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, चंदा तुझसे किया है प्यार चंदा। मामू अरे ये आपने शॉल क्यों ओढ़ रखी है? चले मेरे साथ मामू शॉपिंग पे चलें। गायर ले महफिल में बोसे जाम के, हम रहे यूं तिश्न लब पैगाम के। क्या हो गया आपको, ये क्या कह रहे हैं आप, क्या हुआ मामू? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है मामू। नहीं गुड़िया ये बुखार नहीं है, अंदर आतिशे इश्क है, ये उसी की तपिश है बेटा। क्या हो गया मामू, कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम नहीं समझोगे ना मामू, आपने दवाई ली क्या? मर्ज पड़ता गया जू जू दवा की। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मामू। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए चंदा माई का कमरा है
और छुप के जाना। चंदा माई का कमरा? प्लीज मामू मुझे बताएं, वो लड़ी तो नहीं आपसे? अबे ये क्या बताएगा, ये तो गया काम से। बड़े अब्बा मुझे लग रहा है कि मामू का बुखार उनके दिमाग पे चढ़ गया, प्लीज किसी डॉक्टर को बुला लें। अबे ये डॉक्टर का केस नहीं है। डॉक्टर का केस नहीं है, पर इन्हें हुआ क्या है? इसे वो होया है जो सारी जिंदगी नहीं होया था। बड़े अब्बा बताए ना प्लीज क्या बात है? इश्क हो गया। इश्क हो गया, लेकिन किससे? अबे वो नहीं है, वो यास्मीन की अम्मा चंदा माई से होया है। चंदा माई से? उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। लोग कहते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये कहां से आटपका मनोज? चंदा क्या है? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये क्या है फिर, समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या समझूं है? अरे मामू बिल्कुल ही बावले हो गए हो क्या? मैं तो कहती हूँ कि तुम अपना इलाज करवाओ जाके। देखिए खुदा के वास्ते हमें मामू ना कहिए, हम तो आपके वो होने वाले हैं। वो क्या? वही वो। अरे क्या वो? अरे खबरदार खबरदार, जो मुझे इस किस्म के बेहुदा इशारे किए तो हाथ पांव तोड़ के डाल दूंगी मैं तेरे। आप नाराज बहुत जल्द हो जाती हैं। आए ज्यादा होशियारी नहीं, बैठ वहीं पे बैठ। पे हम तो इस कुर्सी पर आना चाह रहे थे। अरे क्या उस कुर्सी में कीले निकली हुई हैं? सही कहा आपने, ये कीले ही तो हैं जो हमें दिन रात जख्मी कर रही हैं। हम फिराक के इन लम्हात को खत्म करना चाहते हैं। अरे मैं कह दे रही, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, और ये सिपाही मेरे ही हाथों से शहीद हो जाएगा देखना। हम शहादत से नहीं डरते, और वो भी आपके खूबसूरत हाथों से। अरे क्या हो गया है तुझे है? अरे क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं, हमारे दिल की आवाज से पारू, हम तुम्हें अपना दिल दे बैठे हैं, कसम से पारू। अब बिल्कुल ही सठिया गया है तू, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये सड़ा हुआ दिल, अपने पास ही रख। भाई हमारी अर्ज मोहब्बत तो सुन लीजिए चंदा। ये अपनी अर्ज वर्ज ना जाके किसी और को सुनाइयो, और मैं कह दे रही हूँ ये अपने इश्क का खेला कहीं और लगा, और ये अपनी शायरी की दुकान बंद कर। क्या हो गया है? ये तू मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? जहाँ लैला वहाँ मजनू। मैं काट के रख दूंगी मैं फल की तरह, बड़े देखे मैंने तुम्हारे जैसे मजनू। अरे जहाँ लैला वहाँ मजनू, बैठे रहो यहीं। हम बड़े लोग हैं, जीने का हुनर जानते हैं। मजनू की औलाद, तूने मुझे समझ क्या रखा है? हैं? बदनाम कर रहा है तू मुझे? हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे आप क्यों आ गई? मुझे याद फरमा लिया होता। अरे तेरा तो मैं वो हशर करूंगी कि लोग याद रखेंगे, फिर तू किसी को याद करने के काबिल ही नहीं रहेगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमारी आरामगाह में अपने कदमों को रखा है। यकीन कीजिए कभी हम आपके कदमों को कभी अपनी आरामगाह को देखते हैं। बकवास बनकर तेरी इस आरामगाह को आखिरी आरामगाह बना दूंगी मैं।
किस कदर खूबसूरत कदम है आप। आपने ने नाहक तकलीफ दी। अरे तुझे तकलीफ दे सकूं इसलिए आई हूं मैं यहाँ। लेकिन अब आप हमसे वादा कीजिए, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ी आप हमें खुद बुलाएंगी, और यकीन कीजिए हम सर के बल दौड़े चले आएंगे। हाँ। अच्छा चल चल दौड़ के दिखा मुझे सर के बल। वो क्या कर रहा है, दौड़ नहीं सकता तो चल के दिखा सर के बल। ये बात है तो देखिए हम आपको अभी सर के बल दौड़ के दिखलाते हैं। हाँ। ओबे मामू, वह क्या बिल्कुल ही पागल हो गया, क्या कर रहा है ये उल्टा लेट करके। कहाँ गई वो, कहाँ गई? कौन कहाँ गई? चंदा। अबे विषय तो गिरहन लग गया, वो तो गई। चंदा आई, पिला दे साकी। हम तो पानी की बात कर रहे हैं। हाँ। देख खबरदार जो तूने मेरा दिमाग खराब किया, तो सुबह से ये वक्त आ गया मेरे पीछे पीछे फिर रहा है तू। तो फिर दीवाना कहाँ जाए, देखिए ना गुलशन में जब फूल खिलेंगे तो परवाना तो वहीं रहेगा ना। मैं तेरी ऐसी दुर्गत बनाऊंगी कि गुलशन और भंवरा सब भूल जाएगा तू। अब समझती क्यों नहीं हमारी फीलिंग्स को, देखिए ये हमारे दिल की आवाज है, ये दिल आपका दीवाना हो गया है, सारे जहां से ये तो बेगाना हो गया है। देख मैं कहे दे रही हूं मैं, दिमाग खराब ना कर मेरा तू। लिल्ला लिल्ला, अरे भैया ड्रामा नहीं है, हम आपके मामले में बहुत संजीदा हैं। हाँ। अरे शक्ल देखी है कभी तूने अपनी? हाँ, दिलीप कुमार लगते हैं। अबे चल हट, कहाँ तू और कहाँ दिलीप कुमार, आईना देख जाकर आईना। अरे वो तो रोज ही देखते हैं, बल्कि देखना पड़ता है, अभी वॉशरूम में इतना बड़ा कद्दे आदम आईना लगा हुआ है, वो देखना पड़ता है। भाई हमारी तरफ से प्यार का ये हकीर सा नजराना कबूल कीजिए। चल हट, हटा इसको और देख मैं कहे दे रही हूँ, खबरदार जो तू मेरे पीछे आया था, घर के सारे मुलाजिम हमें देख देख के हंसते रहते, इतनी बदनाम तो मैं कभी जवानी में भी नहीं थी। माय डियर चंदा, प्यार तो होता है अंधा, मगर घर के सारे मुलाजिमों की आंखें हैं, वो देख भी सकते हैं। देख मैं कह दे रही हूँ, अब अगर तू मेरे पीछे आया तो अच्छा नहीं होगा, चल दफा हो, हट यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया पागल कहीं का। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे। ये क्या